ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण पर भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर संगठन के कार्यकर्ता यमुना प्राधिकरण पहुंचे। इन लोगों ने यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपमानित करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यमुना प्राधिकरण पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। वहीं भारी संख्या में किसान इकट्ठा होकर यमुना प्राधिकरण पहुंचे। प्राधिकरण के सामने ये लोग धरने पर बैठकर जवान जम कर नारेबाजी की गई। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स और RAF को पहले से ही तैनात किया गया था। भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर ने बताया कि वह किसानों की समस्याओं को लेकर CEO रविंद्र कुमार के पास पहुंचे, जहां पर उनको अपमानित किया गया। उन्होंने OSP शैलेंद्र भाटिया पर भी अभद्रता करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक इन लोगों ने माफी नहीं मांगी जाएगी और अपनी गलती का एहसास नहीं किया जाएगा, तब तक उन लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। से भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति ये मांग लेकर के, हमारी मांग इनसे रहती है कि जिन किसानों ने अपनी जमीनों को दे दिया, देखिए जेवर एयरपोर्ट बना है, किसानों ने अपना सारा कुछ दे दिया, अपनी जमीनें दी, अपने घर दे दिए, और सबसे बड़ा योगदान अगर इस जेवर एयरपोर्ट में रहा है तो वो किसानों के रहा है। और मैं इस आज पंचायत के माध्यम से ये आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी मांग है स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए।